हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आपको कुछ पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। आज मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊंगा। तो देखो माय डियर, आज हमारा जो लेसन है लेसन एट, यानी आज हम जो बात करेंगे लेसन एट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लेसन एट यानी चैप्टर एट, क्लास एट। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यानी कि सेवन चैप्टर यानी सेवन क्लास या सेवन लेसन टीच किए। तो देखो माय डियर, आज मैं आपको सबसे पहले टाइटल बता देता हूँ। मेरा टाइटल क्या है? टाइटल है फ्यूचर इक्वल टू विल बी प्लस आईएनजी, यानी कोई काम चल रहा होता है, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि विल का मतलब होता है फ्यूचर और आईएनजी का मतलब होता है चलना। यानी जब भी विल बी के साथ अगर आईएनजी लग जाए तो समझ लो कोई काम फ्यूचर में चल रहा होता है या हो रहा होता है, यानी कोई भी घटना फ्यूचर में हो रही होगी या कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा होगा। बट कहीं ना कहीं इस विल बी प्लस आईएनजी को कहीं ना कहीं ग्रामर में अगर हम बात करें, किसी बुक में बात करें या किसी कोचिंग में बात करें या किसी वीडियो में बात करें, तो कहीं ना कहीं मैंने जहां तक मैंने सीखा है तो ये बताया जाता है कि विल बी प्लस आईएनजी का मतलब होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्या होता है? विल बी का मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस। बट मेरा मानना है कि विल बी प्लस आईएनजी का मतलब नहीं होता फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी प्लस आईएनजी का मतलब नहीं होता होगे, रहेंगे, रहेंगी। ये सब छोड़ दो यार, इससे इंग्लिश नहीं आती है। कि अगर आप ऐसे सीख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस या आप ऐसे सीख रहे हैं वाक्य के अंत में रहोगे, रहेंगे, रहेंगी, इससे इंग्लिश नहीं आएगी। आप इंग्लिश प्रैक्टिकली सीखना है कि विल बी प्लस आईएनजी का मतलब क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विल बी प्लस आईएनजी का मतलब होता है फ्यूचर, मीन्स कोई काम फ्यूचर में चल रहा होता है। तो आपको ध्यान देना है, यानी कोई काम कहां पर चल रहा होता है? फ्यूचर में। ठीक है माय डियर, तो आपको ध्यान देना है कि अगर फ्यूचर कोई काम चल रहा होता है, यानी फ्यूचर में, फ्यूचर इक्वल टू विल बी प्लस आईएनजी, कोई काम चल रहा होता है फ्यूचर में। तो हमारा टाइटल है कि जब भी आपकी आंखों में, कानों में, न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी विल बी के साथ अगर आईएनजी लग जाए तो आप समझ जाइए फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। जैसे आप प्रेजेंट में खड़े हो और फ्यूचर की बात करते हो, राइट? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूचर में ऐसे सेंटेंस कैसे बोलेंगे जो काम फ्यूचर में हो रहे होंगे। तो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि करने वाला कौन होता है? डूअर। कौन होता है? करने वाला, डूअर। तो फ्यूचर में भी कोई काम डूअर ही कर रहा होगा, राइट? और डूअर का मतलब ऑलरेडी पता ही आपको, आई यू वी ही सी। अगर आपको डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन और अदर वर्ड अगर आपको नहीं पता तो आप लेसन फर्स्ट यानी मेरा लेसन फर्स्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर ब्रीफ में डिटेल में बताया कि डूअर, टाइम वर्ड, एक्शन, अदर वर्ड क्या होते हैं। बट यहाँ पे डूअर का मतलब मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ, ब्रीफ में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ उस पर। तो डूअर का मतलब होता है करने वाला, टाइम वर्ड का मतलब होता है समय के बारे में बताया, एक्शन मींस कोई क्रिया, अदर वर्ड नॉन लिविंग जिनमें जान नहीं होती। तो कहीं ना कहीं करने वाला कौन होता है? डूअर। टाइम वर्ड प्लस बीई प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आईएनजी और हमने बीई क्यों लगाया, क्योंकि ये बात तो पता चलती है कि फ्यूचर में बिल का यूज होता है, बट बिल के साथ हमारा बी क्यों आया, बिल के साथ हमारा आईएनजी क्यों आया। तो मैं आपको बता दूं, बिल के साथ बी इसलिए आ रहा क्योंकि कोई काम कम कर रहे होंगे। और बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब अगर मैं बात करूं तो होना होता है। बी का मतलब क्या होता है? होना, यानी कि बी का मतलब होता है होना, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं काम कर रहा होऊंगा। तो हमने यहाँ पे बी का मतलब होना लगाया है और हमने यहाँ पे आईएनजी का मतलब क्या निकाला है? चलना, यानी कि आईएनजी का मतलब होता है चलना या चल रहा होता है, राइट? तो आपको ध्यान देना है कि बिल का मतलब होता है फ्यूचर और बी का मतलब होना और आईएनजी का मतलब चलना, यानी फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। तो आप सेंटेंस कैसे बोलेंगे? आई विल बी प्लेइंग अ गेम। क्या बोलोगे? आई विल बी प्लेइंग अ गेम, यानी मैं गेम खेल रहा होऊंगा। कैसे बोलोगे? मैं सो रहा होऊंगा, आई विल बी स्लीपिंग। कैसे बोलोगे? आई विल बी स्लीपिंग। आई विल को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं आई। क्या बोलोगे? आई विल को शॉर्ट में आई, राइट? वो मैं आगे आपको प्रॉपर बताऊंगा, बट इस वीडियो में हम अभी फुल फॉर्म सीखेंगे ना कि शॉर्ट फॉर्म। बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आई विल को आप आई भी बोल सकते हैं, आई बी प्लेइंग, आई बी प्लेइंग, राइट? आई विल बी प्लेइंग अ गेम, यानी मैं गेम खेल रहा हूंगा। कैसे बोलेंगे? मैं जा रहा हूंगा, आई विल बी गोइंग। मैं पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग। मैं दौड़ रहा हूंगा, आई विल बी रनिंग। मैं खाना बना रहा हूंगा, आई विल बी कुकिंग फूड, आई विल बी कुकिंग फूड। अगर यहीं पे आपको किसी थर्ड पर्सन के लिए बोलना हो, किसी तीसरे बंदे के लिए, यानी किसी थर्ड पर्सन मीन्स अपने लिए ना बोल के किसी थर्ड पर्सन के लिए बोलना हो, तो आप इसी आई के जगह ही, शी, कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मैं लगा रहा हूं यहाँ पे ही, आप बोल सकते हैं ही विल बी प्लेइंग अ गेम, यानी वह गेम खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग अ गेम। इस ही की जगह मैं दे भी लगा सकता हूं,
दे विल बी प्लेइंग अगेन, यानी कि जो ये आई है उस आई की जगह आप कोई भी डूअर, यानी कोई भी डूअर है आई यू वी दे ही से किसको भी बदल सकते हैं। जैसे आई की जगह आप बोल सकते हैं मेरे पापा आ रहे होंगे, माय फादर विल बी कमिंग, मेरा दोस्त सो रहा होगा, माय फ्रेंड विल बी स्लीपिंग। अब ये इंग्लिश हम क्यों बोलते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम किसी से प्रेजेंट में बात करते हैं, अरे यार कल ना मैं तुम्हें 10 बजे कॉल करूंगा, अरे भाई मुझे कल 10 बजे कॉल मत करना, क्यों, क्योंकि 10 बजे मैं सो रहा होऊंगा। उसने क्या बोला हिंदी में, कल मैं 10 बजे सो रहा होऊंगा। तो उसने यानी कि हमें कल एक कंडीशन दे दी, वो भी कौन सी, फ्यूचर में काम चलने की। तो वो इंग्लिश में बोल सकता है टुमारो आई विल बी स्लीपिंग एट 10 o'clock, टुमारो आई विल बी स्लीपिंग एट 12 o'clock या 10 o'clock, मैं 10 बजे सो रहा हूंगा या मैं 12 बजे सो रहा हूंगा। तो यानी कि आप प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर में कोई कंडीशन दे सकते हैं कि मैं काम कर रहा हूंगा। जैसे मेरे पापा गांव जा रहे होंगे, माय फादर विल बी गोइंग टू विलेज, माय फादर विल बी गोइंग टू विलेज। यानी कि कहने लगा कि यहाँ पे जो आई है इस आई के जगह आप कोई भी लगा सकते हैं, ही शी नेम कोई भी, ठीक है। और मेरे साथ सेंटेंस बोलेंगे, इंडिया खेल रहा होगा, इंडिया विल बी प्लेइंग, इंडिया विल बी प्लेइंग। मेरा दोस्त पढ़ा रहा होगा, माई फ्रेंड विल बी टीचिंग, क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड विल बी टीचिंग। तो यानी फ्यूचर में अगर आप किसी के लिए भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं वो भी चलने वाली, यानी फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा या कोई घटना हो रही होगी या कोई काम हो रहा होगा। जैसे कल बारिश हो रही होगी तो हम आई की जगह क्या लगा देंगे, इट विल बी रेनिंग टुमारो, कल बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग टुमारो। यानी कहीं ना कहीं आप इस आई के जगह किसी भी डूअर को आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में विल बी सबके साथ आता है। तो आपने यस किया अपने लिए भी, यस किया किसी थर्ड पर्सन, यानी किसी थर्ड पर्सन के लिए भी आपने यस किया। अब हम बात करते हैं फॉर नॉट, किसके लिए बात करते हैं, फॉर नॉट, यानी फॉर नॉट का मतलब होता है मना करने के लिए। अगर किसी सेंटेंस को हमने यस किया तो किसी सेंटेंस को हमें नो भी करना होगा, मना, क्योंकि कहते हैं यहाँ पे हाँ है वहीं पे ना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा यस यस करते रहेंगे, नो भी करना होगा। अगर आप यस यस करते रहेंगे तो कोई ऐसा सेंटेंस भी आ जाएगा, टुमारो आई विल बी टेकिंग वाइन, कल मैं दारू पी रहा होऊंगा। अगर ऐसे तुमने कहीं बोल दिया कि कल मैं दारू पी रहा होऊंगा तो सोसाइटी में आप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे आपकी इंसल्ट हो जाएगी, पापा के सामने बैठे हैं तो कहीं ना कहीं पिटाई भी लग जाएगी। तो इंग्लिश कभी नहीं कहती हाँ हाँ हाँ, इंग्लिश कहती है जब तुम्हारे कुछ काम अच्छे हैं तो हाँ करो, अगर बुरे काम है तो ना करो। तो जब डूअर ने यस किया है, यानी डूअर ने क्या बोला है, यस, डूअर ने क्या बोला है, हाँ, जब डूअर ने यस किया है, डूअर ने हाँ, तो डूअर ही क्या करेगा, नो, यानी मना करने के लिए, तो फॉर नॉट। तो जब डूअर ने यस किया है तो डूअर ही कौन है, नो, तो डूअर ही मना करेगा। तो डूअर प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस बीई प्लस एक्शन प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड, यानी जो ऊपर आपका फॉर्मूला है उसके आगे टाइम वर्ड के बाद आप नॉट लगा देंगे एनओटी और सेंटेंस वही सेम रहेगा। जैसे बन जाएगा आई विल नॉट बी प्लेइंग अगेन, आई विल नॉट बी प्लेइंग अगेन, यानी जो आपने बोला था आई विल बी उसी के आगे आप बोल देंगे आई विल नॉट, यानी कि विल के बाद यानी टाइम वर्ड के बाद आप नॉट लगा सकते हैं। कुछ निगेटिव सेंटेंस हम बोलेंगे, जैसे मैं नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, I will not be teaching, मैं कल 10 बजे नहीं सो रहा हूंगा, I will not be sleeping at 10 o'clock, I will not be sleeping at 10 o'clock, मैं नहीं जल्दी उठ रहा हूंगा, I will not be getting up early, I will not be getting up early, मैं morning walk के लिए नहीं जा रहा हूंगा, I will not be going for morning walk, I will not be going for morning walk, मैं जिम नहीं जा रहा हूंगा, I will not be going to gym. I will not be going to gym. मैं कल चुगली नहीं कर रहा हूंगा. I will not be back biting tomorrow. I will not be back biting tomorrow. जैसे कभी कभी क्या होता है कि क्लास में हमारे टीचर आते हैं और हमसे बोलते हैं अरे राहुल जब भी मैं क्लास में आता हूँ तुम तो हिंदी बोलते हो, जब भी मैं क्लास में आता हूँ तुम तो हिंदी बोलते हो। तो राहुल ने बोला ठीक है सर, जब तुम कल आओगे, कल क्लास में, सर जब कल तुम क्लास में आओगे मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूंगा। यानी राहुल ने सर को एक कंडीशन दे दी कल के बारे में, अब वो भी कौन सी, कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूंगा। तो कैसे बोलेंगे, मैं कल क्लास में हिंदी नहीं बोल रहा हूंगा, आई विल नॉट बी स्पीकिंग हिंदी इन द क्लास टुमारो, आई विल नॉट बी स्पीकिंग हिंदी इन द क्लास टुमारो। यानी जब आपने अपने लिए मना किया तो थर्ड के लिए भी मना कर सकते हैं, और थर्ड के लिए भी क्या आएगा, विल नॉट ही आएगा। जैसे मेरे फादर नहीं आ रहे होंगे, My father will not be coming.
राहुल नहीं झूठ बोल रहा होगा, राहुल विल नॉट बी टेलिंग अ लाई, राहुल विल नॉट बी टेलिंग अ लाई। मेरा दोस्त बर्तन नहीं धो रहा होगा, माय फ्रेंड विल नॉट बी डूइंग डिशेस, माय फ्रेंड विल नॉट बी डूइंग डिशेस। राइट, तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए यूज करते हैं विल नॉट बी, थर्ड पर्सन के लिए भी यूज करेंगे विल नॉट बी। यानी कि यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज है कि जो फॉर्मूला अपने आप पे इंप्लीमेंट होता है, लागू होता है, वो किसी थर्ड पर्सन पे भी इंप्लीमेंट हो रहा है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है कि अपने लिए भी विल नॉट विल बी, थर्ड के लिए विल बी, अपने लिए भी विल नॉट बी, थर्ड के लिए भी विल नॉट बी। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, यानी जब तक आप इंट्रोगेटिव, यानी जब तक आप किसी से क्वेश्चन नहीं करोगे तो सामने वाला आंसर नहीं देगा। जब भी आप किसी थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन नहीं करोगे तो थर्ड वाला भी आंसर नहीं देगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं होगा जब तक आंसर नहीं होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि टाइमर पहले आएगा, यानी जब भी आप किसी से क्वेश्चन करेंगे, यानी जब भी आप किसी से प्रश्न करेंगे, राइट, यहां पे प्रेजेंट, जब भी आप किसी से, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन प्रश्न करने के लिए, यानी जब भी आप किसी से प्रश्न करेंगे तो टाइमर फर्स्ट आएगा, यानी टाइमर पहला आएगा, टाइमर प्लस डूअर, क्योंकि जो टाइमर है वो क्वेश्चन किससे करेगा, डूअर से, प्लस बी, बी मींस होना, एक्शन प्लस आएंगी प्लस अदर वर्ड। यानी जब भी आपको फ्यूचर में कन्फर्म करना हो, यानी फ्यूचर में किसी से कन्फर्म करना है कि तुम कल ये काम कर रहे होगे या नहीं, तो आप बोल सकते हो विल यू बी प्लेइंग अगेन, विल यू बी प्लेइंग अगेन। आप यहां से देख सकते हैं विल यू बी प्लेइंग अगेन, यानी कि अगर आप सामने वाले से क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो बिल का सारा लेंगे, किसका लेंगे, बिल का। जैसे आपको किसी सामने वाले से पूछना है क्या तुम कल ये काम कर रहे होगे, विल यू बी डूइंग दिस वर्क, विल यू बी डूइंग दिस वर्क, क्या तुम कल ये काम कर रहे होगे। जैसे आपको मुझसे पूछना हो सर क्या तुम कल पढ़ा रहे होगे, विल यू बी टीचिंग टुमारो, क्या बोलोगे, विल यू बी टीचिंग टुमारो। जैसे आपको पूछना हो मुझसे सर क्या तुम कल जिम जा रहे होगे, Will you be going to gym tomorrow? यानी जब भी आप किसी सामने वाले से अगर आपको फ्यूचर में कंफर्म करना है कि तुम ये काम कर रहे होगे या नहीं, तो will you be plus ing का यूज कर सकते हैं, राइट। अगर आपको सामने वाले से, जैसे मैं तुम्हारे लिए कौन हूं, यू सामने वाला हूं, और आपको मुझसे किसके लिए पूछना है, किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी तीसरे बंदे के लिए, तब भी आप विल बी का यूज करेंगे। जैसे आपको मेरे फादर के लिए पूछना हो क्या तुम्हारे पापा आ रहे होंगे, तो विल यू की जगह योर करना है, क्योंकि तुम्हारे पापा, Will your father be coming? Will your father be coming? अगर तुम्हें मेरी माँ के बारे में पूछना हो क्या तुम्हारी माँ आ रही होगी, Will your mother be coming? यानी सिंपल सी बात है, अगर आप मुझसे पूछोगे फ्यूचर के लिए कि मैं ये काम कर रहा हूं या नहीं, तो विल यू बी प्लस आई एन जी। अगर आप मुझसे किसी थर्ड पर्सन के लिए पूछ रहे हो तब भी विल बी प्लस आई एन जी। और वैसे ही मैंने टाइटल लिखा है फ्यूचर इज इक्वल टू विल बी प्लस आई एन जी, यानी कि फ्यूचर कोई काम चल रहा होता है, यानी आज से आपको याद रखना है, यानी आपको जिंदगी भर याद रखना है कि विल बी प्लस आईएनजी का मतलब नहीं होता फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी का मतलब प्लस आईएनजी का नहीं होता वाक्य अंत में रहोगे, रहेंगे, रहेंगी। जस्ट द प्रैक्टिकल यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको प्रैक्टिकल समझना है कि विल बी प्लस आईएनजी का मतलब होता है फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, या कोई घटना हो रही होगी, या कोई एक्टिविटी हो रही होगी। तो जब भी आपसे कोई बोले टुमारो आई विल बी स्लीपिंग एट 10 o'clock, तो समझ जाओ वो कल 10 बजे सो रहा होगा, फोन करने की जरूरत नहीं है। टुमारो आई विल बी टीचिंग, मैं कल पढ़ा रहा हूंगा। टुमारो आई विल बी गोइंग टू आगरा, मैं कल आगरा जा रहा हूंगा। यानी विल बी प्लस आईएनजी से वो तुम्हें ये कंफर्म कर रहा है कि फ्यूचर में ये मेरा काम हो रहा होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि विल बी प्लस आईएनजी का मतलब क्या होता है, फ्यूचर में कोई काम चल रहा होता है। विल बी प्लस आईएनजी का मतलब नहीं होता फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी का मतलब प्लस आईएनजी का नहीं होता रहेंगे, रहेंगे। क्योंकि जब भी आप किसी से इंग्लिश में बात करते हो तो आप ऐसे नहीं बोलते जैसे कुछ लोग बोलते हैं पहचान, ऐसे आप इंग्लिश नहीं बोलोगे, विल यू बी कमिंग, रहोगे, रहेंगे, विल यू बी गोइंग, जा रहा, विल यू बी गोइंग, जा रहे होगे। यानी कि जब भी आप कोई इंग्लिश बोलोगे विल यू बी डूइंग, विल यू बी प्लेइंग, विल यू बी कमिंग, तो पीछे से आप कोई पहचान नहीं दोगे, और ना कोई ऐसे इंग्लिश बोलेगा Will you be helping someone? Future continuous. Will you be doing a job? Will you be doing a job? Future continuous. तो ऐसे पीछे से कोई आपको पहचान नहीं देगा, वो बस ओनली कितनी इंग्लिश बोलेगा Will you be doing? Will you be coming? तो जब भी आपसे कोई बोलेगा Will you be doing? अच्छा, बिल का मतलब फ्यूचर,
और बी का मतलब होना, यानी ये पूछ रहा है क्या तुम कल ये काम कर रहे होगे। तो प्रैक्टिकली समझो, क्योंकि इंग्लिश को आप लैंग्वेज समझो, इंग्लिश को आप एज ए सब्जेक्ट मत सीखो। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो बोलना सीखने के लिए आपको इंग्लिश को पहले लैंग्वेज मानना होगा, क्योंकि भाषा की तरह सीखोगे तभी बोल पाओगे, क्योंकि आपने 12 साल स्कूल में इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट सीखा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे विल बी प्लस एनजी का मतलब क्या होता है, कोई काम फ्यूचर में चल रहा होता है। तो जैसे मैंने आपको बोल दिया कि मैं 2 घंटे बाद खाना खा रहा होऊंगा, आफ्टर 2 आवर्स आई विल बी ईटिंग फूड, आफ्टर 2 आवर्स आई विल बी ईटिंग फूड। यानी कोई भी काम 2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद फ्यूचर में अगर आप कर रहे होंगे तो विल बी प्लस आईएनजी से बता सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं फिर आगे।